1000 रुपए का फ्यूल डलवा रहा हूँ और दो दो के सिक्के दे रहा हूँ, और कौन मना कर रहा है वो बता दो। आप मना कर रहे थे ना दिन में, तो अभी बता दो आप फ्यूल डालोगे कि नहीं डालोगे। बात यही है ना, मेरे को वो दिन भी देखा है जब मैं पैदल चप्पल में घूमता था लोअर टी शर्ट में और भाई को देख के तरसता था कि भाई कभी लेंगे, और आज ये दिन भी है कि जब अपन CBR पे, तो मैं उस जो बंदा आके अगर आपके सामने यू नो वैसे देख रहा है ना, तो मैं उसकी भी एक फीलिंग समझता हूँ कि वो किस किस फीलिंग को लेके आ रहा है और आपसे क्वेश्चन कर रहा है। हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी, एंड आज का वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि लास्ट टाइम एक हफ्ते पहले की बात है, मैक्सिमम एक हफ्ता हुआ हुआ इस बात को, एक मजदूर था मेरे सामने और उस मजदूर के पास 10 रुपए के कुछ सिक्के रखे हुए थे। पेट्रोल पंप ओनर, जो पेट्रोल पंप पे मेरा केस हुआ है, सेम पेट्रोल पंप ओनर नहीं, आई मीन वहां पे जो बंदा काम कर रहा था उसने मना कर दिया था कि मैं सिक्के नहीं ले सकता। रात का टाइम था, वो मजदूर वहां फंस गया था, तब मैंने उसकी मदद की थी कि भाई एक काम करो, अगर आपसे ये नहीं ले रहे हैं सिक्के 10-10 रुपए के, उनके पास 5 सिक्के थे, मेरा तो बहुत कम अमाउंट था, 20 रुपए का अमाउंट था, उनका 50 रुपए का अमाउंट था, 10-10 के 5 सिक्के थे, तब मना कर दिया गया था कि भाई आप पैसे लेके आओ नहीं तो मैं 10-10 के सिक्के नहीं लूंगा। और यही बंदा था जिसने मना किया, तो मेरा कोई मकसद नहीं है किसी को डिफेम करने का या कुछ, बट अल्टीमेटली मेरे साथ ये चीज हुई, उस मजदूर के साथ ये चीज हुई, और हार्डली एक हफ्ते पहले की बात है जब ये मजदूर के साथ वाली चीज हुई, तब मैं पेट्रोल डलवा रहा था, तो अब वो मांगने लग गए भैया कि भैया आपके पास पड़े हैं क्या 50 रुपए खुल ले। अब मैं पेटीएम यूज करता हूँ ज्यादातर, तो मैं भी उनकी हेल्प नहीं कर पाया, बट मैंने पूछा क्या हुआ और ये सारी चीज हुई, तो मैंने बोला आप भाई डायल 100 को कॉल करो और सारी चीजें करो। जैसे ही डायल 100 का नाम लिया तो फटाक से बंदे ने बोला कि भाई डाल देता हूं, अगली बार पैसे लेके आना। अब वो मजदूर आदमी कहां से पैसे लेके आएगा, पूरा आप आज का ब्लॉग देखो तो आपको केस समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है आजकल की डेट में पेट्रोल पंप्स पे। और अगर आपके वहां भी ये चीजें हो रही है तो डेफिनेटली इसका बॉयकॉट करना चाहिए आपको भी। सो गाइस या स्टे ट्यून्ड, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या विचार है इस चीज के बारे में। सो ट्यून इन रहो भाई। मैं दिन में आया था इसकी चेन लूपिंग, मैंने आपके सामने शायद कैमरा ऑन हुआ था कि नहीं मुझे याद नहीं है, बट अभी जस्ट स्प्रेइंग की है मैंने, और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वो गलत बात नहीं, झूठ नहीं कह रहे अपन, और ना किसी से कोई वैसा मकसद है। ये देखो जस्ट अभी मैंने चेन ल्यूबिंग की है इसकी, गाड़ी वगैरह वॉश की प्रॉपर, और आपको पता है मैं चेन ल्यूबिंग करता हूँ तो हमेशा डीजल से क्लीन करता हूँ चेन, जिसके निशान आपको दिख भी रहे होंगे डीजल के, मैंने यहाँ पे क्लीन नहीं कर पाया, बाकी ऊपर से वॉश की थी गाड़ी तो डीजल के निशान दिख रहे होंगे, तो चेन अभी क्लीन है देखो, है ना। तो यहाँ से मैं दिन में आया था इस पेट्रोल पंप पे, मैं आया था चप्पल में, लोअर पहना हुआ था, और क्या हुआ था, इत्तेफाक से मेरे पास 500 रुपीस का नोट था, तो इनको चेंज में प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैंने इनको 10 सिक्के दिए थे 2-2 रुपए के, क्योंकि मैं कुछ सामान लेके आ रहा था, उन्होंने मुझे दिए तो मैंने इनको दे दिए, मुझे सिर्फ 20 रुपीस का डीजल चाहिए था, तो मैंने डीजल फिल कराया यहाँ से, इन्होंने दिया, उसके बाद मैंने घर, तो मैंने इनसे बोला कि भाई ये लो आप, तो 10 सिक्के भाई, हार्डली 10 सिक्के गिनने में आपको कितना टाइम लगता है, 10 सेकंड 15 सेकंड, उससे ज्यादा क्या लगता है। तो इन्होंने सुना दिया कि भैया सिक्के नहीं चलते यहाँ पे, तो मैंने बोला भाई भोपाल है यहाँ सिक्के क्यों नहीं चलते भाई, RBI ने बोल के रखा है, RBI ने सिक्के बनाए हैं तो सिक्के क्यों नहीं चलते, बोलते नहीं यहाँ पे नहीं चलते, कोई नहीं लेता। तो मैंने बोला भाई तो लीगल नहीं है क्या ये सिक्के, तो वो बहस करने लग गए, तो उन्होंने उस टाइम ये सोचा कि भाई साइकिल से आया है बंदा और ऐसा ही दिख रहा है, मतलब चप्पल वगैरह पहनी है, कुछ वो नहीं है, तो इन्होंने उठाई गिरा समझ लिया कि भाई होगा कोई। तो बात ये है ना, इनकी मेंटेलिटी इन लोगों की घटिया है, तो इन्होंने बोला था कि नहीं हम तो सिक्के नहीं लेते और हमसे भी कोई नहीं लेता, तो हमें मैं अपने पास रखूंगा कि सिक्के, सोचना चाहिए ना भैया, नोट वोट नहीं है क्या तुम्हारे पास। भाई आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, मतलब लिटरली आप ये बोल के किसी को डोमिनेट कर रहे हो कि तुम्हारे पास नोट वोट नहीं है क्या, भाई नहीं है हमारे पास सिक्का है, आप सिक्का लो ना, RBI ने बनाए क्यों है सिक्के। तो मैं इसीलिए फिर शाम को आ गया, जब बाइक वॉश करा ली सब और वहां पहुंचा तो उनका एटीट्यूड देखो आप अलग था, क्यों, क्योंकि है ना बाइक से आया इंसान दिख रहा है इतनी महंगी बाइक है तो भाई इससे कौन लड़ेगा, कौन इससे बात करेगा, तो उनका ये एटीट्यूड बिल्कुल जीरो हो गया उसी टाइम। तो ऐसे लोग अगर मिल जाते हैं, ऐसे वर्कर्स मिल जाते हैं, तो फिर जगह का नाम खराब होता है। उस पेट्रोल पंप से मैं हमेशा वहीं से फुल टैंक कराता हूँ, मेरे घर के सामने का पेट्रोल पंप है और हमेशा मैं फुल टैंक ही कराता हूँ, प्लस उस पेट्रोल पंप से मैं हमेशा
मतलब 8,000 का फ्यूल मेरा हर मंथ का इसमें जाता है CBR में। मम्मी की स्कूटी में कम से कम 4,000 का फ्यूल जाता है, मम्मी ऑफिस जाती हैं आती हैं। पापा की स्कूटी में अलग जाता है 15,000 कम से कम उनको मेरे घर से जाते हैं सिर्फ फ्यूल के हर महीने। उस पेट्रोल पंप से मेरे को किसी कर्मचारी से कभी कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसे कर्मचारी होंगे तो पेट्रोल पंप का नाम खराब होगा ना भाई। लिटरली अगर ये वीडियो इस पेट्रोल पंप के ओनर देख रहे हैं तो ऐसे कर्मचारियों को आप निकाल देना चाहिए। लिटरली ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए जो इंसान की वेशभूषा देख के अगर डोमिनेट कर रहे हैं तो वो भाई गलत है बिल्कुल। क्योंकि दिन में मैं आया था तो दिन में इनका ईगो अलग ही लेवल पे था। आप चाहें तो कैमरे चेक करना आपके आके। ये ही वॉज लाइक कि मैं तो नहीं ले रहा, इन्होंने मना कर दिया था कि मैं सिक्के नहीं ले रहा आपसे। मैंने बोला भाई मेरे पास यही है, मैं क्या करूं। तो इन्होंने थोड़ी ऊटपटांग बात की थी और इन्होंने यही बोला था कि हमसे कोई नहीं लेता तो हम भी नहीं लेते। मैंने बोला भाई ये कोई गांव थोड़ी ना है कि ऐसा कोई किसी ने चला दिया कि नहीं सिक्के नहीं चलते तो नहीं लेना। बोलते नहीं हम तो नहीं लेते और आपको कुछ सोचना चाहिए, नोट वोट नहीं है क्या आपके पास। ये तरीका था उनका बात करने का। क्योंकि उस टाइम उन्होंने क्या देखा कि भाई कोई नॉर्मल सा लड़का होगा जिसके पास साइकिल होगी, आ गया होगा डीजल लेने किसी काम से। और उस टाइम क्या घर पे काम भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो हाथ हाथ पे अपने वो सीमेंट भी लगाओ। मैं कह रहा हूँ कि दिन में आया था तो आपने मना किया था, मैं 1,000 रुपये के सिक्के लाया हूँ, फुल टैंक कराना है मुझे। 1,000 रुपये के सिक्के लाया हूँ और फुल टैंक कराना है मुझे। वो तो आप करोगे ना, क्योंकि आपने बोला था ना आप लेते नहीं हो सिक्के। और मैं दिन में आया था साइकिल से, मुझे क्या है चेन, इसकी चेन क्लीनिंग में डीजल लगता है और मैं हर बार आपके यहाँ से जाता हूँ और आपने भी देखा है गाड़ी यहाँ कितनी बार आती है इस फ्यूल टैंक पे हमेशा। और उसके बाद मैंने इनको सिर्फ 2-2 रुपए के 10 सिक्के दिए क्योंकि मेरे पास नोट नहीं था, ठीक है। तो इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग वे में था। तो वही मैं कह रहा हूँ 1,000 रुपए का फ्यूल डलवा रहा हूँ और 2-2 के सिक्के दे रहा हूँ। और कौन मना कर रहा है आप वो बता दो। आप मना कर रहे थे ना दिन में, तो अभी बता दो आप फ्यूल डालोगे कि नहीं डालोगे। बात यही है ना, 20 दिए थे ना और पहली बार जीवन में दिया भाई। यहाँ से मेरा 8,000 का फ्यूल हमेशा हर महीने का और मेरा घर यही है, फिर इनको सोचना चाहिए ना भाई। कोई सिक्का लेने को मैं कोई 10-12 हजार के तो दे नहीं रहा, मजबूरी थी तो दिया उस टाइम साइकिल से। तो अभी इससे आ गए तो ये कुछ नहीं कह रहे। और मेरे को आप लोगों से दिक्कत नहीं है भाई, मेरे से जो तेज चलता है मैं उनसे ही अड़ता हूँ। कोई साइकिल से घूम रहा है ना तो उसकी भी उतनी इज्जत करो जितनी कोई और घूम रहा है, ठीक है ना भैया। फुल टैंक करना है, पेटीएम करूँगा भाई। हमेशा से यहाँ पे डलवाते आया हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मजबूरी थी। 2-2 रुपए के 10 सिक्के दिए थे, उसमें उन्होंने 4 बात सुना दी। आप कौन होते हो सुनाने वाले, आपकी सैलरी में जा रहे हैं क्या वो, आपको तो लेके रखना है ना भाई। और अगला ले ना ले आप काउंटर पे जमा करो। और भाई फिर मैं वैसा ही हूँ, मैं जवाब भी वैसे ही देता हूँ। और मैं कल ले आता सही में और 1,000 रुपए का फ्यूल डला के जाता और 2-2 के सिक्के दे के जाता ही ना इनको अंकल को। गलत है ना भैया, गलत है कि नहीं आप बताओ भाई। आदमी हमेशा आता है यहीं से कराता है, इतना ट्रस्ट करता है हर चीज़ है उसके बाद। बस भैया बस बस ठीक है, हाँ ओवरफिल हो जाएगा ना नहीं तो। मेरे को क्या है भैया, अपन उस फैमिली से हैं जिसने बहुत स्ट्रगल देखा है, तो भाई कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि ये तो उठा ही गिर रही है। मैं पर्टिकुलरली उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है भाई। हम लोगों ने क्या नहीं देखा है, हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है भाई। मारुति 800 भी नहीं थी हमारे पास। एक टाइम मैं लूना पे ट्रैवल करता था मम्मी पापा के साथ, हम लोग 3 लोग एक गाड़ी पे चलते थे, पापा मम्मी और मैं आगे लूना पे बैठा रहता था। लूना वो जो पुराने समय पे चलती थी जिसका 80-90 का एवरेज था, जिसमें मोपेड, जिसमें बेसिकली अगर फ्यूल खत्म हो जाता था तो आप उसको साइकिल की तरह भी यूज कर सकते थे पैडल मार के। तो भाई हमने बहुत स्ट्रगल देखा है। मेरे से कोई पूछता है भाई बाइक कितने की, मैं उनको हर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और ऐसा नहीं है मैं ब्लॉगर हूँ इसलिए,
R15 थी तब भी देता था, बेनली थी तब भी देता था, और अब ब्लॉगिंग चालू की तब भी देता हूँ। तो भाई बात ये है ना कि मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्योंकि भाई मैं भी एक टाइम ऐसे ही भैया लोगों के पास जाके पूछता था, भैया कितने की है, कहाँ से ली, कैसे ली। मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी बड़ी गाड़ी पे बैठूंगा, मैंने कभी नहीं इमेजिन किया था। लेकिन मैं जब गाड़ी वालों के पास जाता था, हायाबुसा किसी के पास है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, तो मैं भी वैसे ही जाता था। और अपनी औकात नहीं थी भाई, लिटरली मेरी औकात नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी खरीद पाऊँ। मैंने कैसे खरीदी ये मुझे भी नहीं पता कैसे आ गई, मतलब चीज़ें चेंज हुई, मेहनत किया, मैजिक में चल गया, एकदम सारी चीज़ें चेंज हुई तो आ गई बाइक। लेकिन भाई मेरे को वो दिन भी देखा है जब मैं पैदल चप्पल में घूमता था, लोअर टी शर्ट में, और बाइक को देख के तरसता था कि भाई कभी लेंगे। और आज ये दिन भी है कि जब अपन CBR पे, तो मैं उस जो बंदा आके अगर आपके सामने वैसे देख रहा है ना, तो मैं उसकी भी एक फीलिंग समझता हूँ कि वो किस फीलिंग को लेके आ रहा है और आपसे क्वेश्चन कर रहा है। एक कहावत है कि इंसान की फितरत, इंसान की असली हैसियत तब पता चलती है जब वो अपने छोटे को अच्छे से ट्रीट करता है। और यहाँ पे भाई आप खुद देखो, जब मैं उनके पास लोअर चप्पल में गया तो उन्होंने कैसे ट्रीट किया, मतलब उनका घमंड अलग ही लेवल पे था कि ये क्या ही कर लेगा। लिटरली भाई सम पीपल मेक, छोड़ो यार, बट यार ये है कि अगर ऐसी कोई चीज हो रही है तो भाई बिल्कुल एक्सेप्ट मत करो, लड़ो मत, लेकिन सबक जरूर सिखाओ कि भाई अगला ध्यान रखे। अब एटलीस्ट मैंने उनको ये चीज दिखा दी तो उनको ध्यान रहेगा कि कोई लोअर चप्पल में क्या फटे टी शर्ट कपड़े में भी आ जाए ना, तो उसको वो गलत ट्रीटमेंट नहीं देंगे। एंड आई रियली वॉन्ट कि भाई जो भी उस पेट्रोल पंप के ओनर है, भाई प्लीज अगर आप उनको निकाल सको ड्यूटी से, या उनको एक फटकार लगाओ कि भाई वो सिंसियरली काम नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई कंज्यूमर आए तो उससे इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत बेटर रहेगा भाई। क्योंकि क्या होता है, मुझे आपके फ्यूल पंप से कभी कोई दिक्कत नहीं रही है, हमेशा मैं वहीं आया हूँ, एंड हमेशा मैं आके वीडियो भी बनाता हूँ, वीडियो भी डालता हूँ, तो आपका ही प्रमोशन होता है। बट अगर कोई आपके यहाँ पे ऐसा कर्मचारी है तो भाई आपका नाम खराब होता है उस इससे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो बताओ मुझे, और अगर नहीं हुआ है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। बट ये है कि अगर कोई इस तरीके से एटीट्यूड दिखाता है ना कि आप नॉर्मल इंसान बन के जा रहे हो तो एक अलग ट्रीटमेंट है, और अच्छा बन के जा रहे हो तो अलग ट्रीटमेंट है, तो वो इंसान डिजर्व नहीं करता आपके साथ रहना। वेदर इट्स योर फ्रेंड, वेदर इट्स योर गर्लफ्रेंड, वेदर इट्स योर बॉयफ्रेंड, वेदर इट्स एनीवन इन दिस वर्ल्ड, अगर इंसान की पहचान भाई कपड़ों से नहीं होती है, इंसान की पहचान होती है दिल से, मन से। भाई आप मतलब कोई कैसे कपड़े पहना है तो आपने कुछ भी समझ लिया क्या? वही तो मैंने उनसे बोला। खैर ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मैजिशियन एडी साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ आप सभी से अगले व्लॉग में, एंड तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, कोरोना से सेफ रहें, और थोड़ा सा मूड खराब हो गया है तो घर मतलब अभी चाय पीता हूँ तो थोड़ा दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा अपना। चलो थैंक यू सो मच गाइज़।